बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज बेसिकली हम जो हमारे पास मोटरसाइकिल होती है उसमें जो कॉइल होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। वो बेसिकली क्या काम कर रही होती है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास एक प्रोफेशनल मौजूद है मगर वो कुछ शर्म की वजह से चैनल मतलब सामने नहीं आ पा रहे, मैं उनसे बात करूँगा। तो बताएं आप, ये स्टार्टिंग का काम करती है जो गाड़ी स्टार्ट होती है, बाकी ये लाइटिंग का काम करती है। अगर ये स्टार्ट हो जाए तो खाली अर्थ आते हो, करंट नहीं बनाती है। ठीक है, और ये भी अर्थ बनाती है। ये देखो, ये आप देख सकते हैं, ये मैग्नेट है। ये इसके अंदर मग्नेटिस लगा होता है, ये भी इसके साथ अर्थिंग की काम करती है। जब ये उड़ जाती है तो फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ये दूसरा लग जाए तो फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और अगर पूरा ये भी जल जाए तो फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, खाली करंट पास कर सकते हैं। और ये अर्थिंग का काम है, फिर ये ऊपर करंट आते हैं, फिर वो वालों में लगते हैं, फिर उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट होती है। अच्छा, बेसिकली जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉनिक इग्नाइटर देखा होगा ना, जो घरों में चूल्हा जलाने के लिए गैस के लिए यूज़ होता है, ये बेसिकली वो ये काम करती है। जैसे ही इग्नाइट आती है तो उसको जो फ्यूल होता है ना, फ्यूल में स्पार्क, इग्नाइट आ गया, उसको स्पार्क जनरेट हो गया, उसके बाद उस अंदर का सामान लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये ऑयल पंप की गिरारी है, ये इस पर रूलर रबड़ लगे होते हैं, ये वेट राड है, इस पर फिर सामान वामान लगा होता है। ये देखो, ये अंदर का इंजन का सामान, ये इसके इंजन के अंदर के सामान है। तो बेसिकली ये वाली जो स्टार्टिंग कॉइल होती है, वो बेसिकली मैं जो आपको बता रहा था, वो एक स्पार्क पैदा कर देती है। उसके अंदर जो फ्यूल होता है और प्रेशर और कंबस्चन जो हो रहा होता है, वो स्पार्क बस चाहिए होता है, क्योंकि तीन चीज़ें चाहिए होती हैं ना, इग्निशन, फ्यूल और स्पार्क, तीन चीज़ें जो होती हैं ना। तो वो बेसिकली स्पार्क का काम जो है ना, वो स्टार्टिंग वाली कॉइल करती है। तो स्पार्क मिल जाता है तो आपका उसमें कंबस्चन शुरू हो जाता है और वो आपका इंजन जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली इस कॉइल का काम था। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकी वो मैंने कोशिश की आप तक डिलीवर करूँ। उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ आएगा। थैंक यू।